जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आया है। राजौरी LOC पर सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस दुर्घटनाग्रस्त में सेना का एक जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर इलाज चल रहा है। शहीद हुए जवान का पहचान बिहार के मधेपुरा का हवलदार पवन कुमार यादव के रूप में हुआ है। हवलदार पवन कुमार यादव जम्मू कश्मीर के राजौरी पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना जैसे ही फोन करके सेना के अधिकारियों ने इनके परिजनों को दिए तो घर पर मातम पसरा हुआ है। परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। कहा जाता है दोस्त, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई शर्म नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोनों में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बिहार के मधेपुरा के धौलट प्रखंड के आर्मी जवान हवलदार पवन कुमार यादव देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पेट्रोलिंग के दौरान एक सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें हवलदार पवन कुमार यादव शहीद हो गए हैं, जबकि 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सभी का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि हवलदार पवन कुमार यादव बीते कई वर्षों से लगातार माँ भारती की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह जवान जम्मू कश्मीर के LOC पर ड्यूटी के दौरान सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से यह जवान शहीद हो गए हैं। शहादत से घर पर मातम पसरा हुआ है। शहीद जवान के सेना के विशेष पान से पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास स्थान पर लाया जाएगा, जहां पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान पवन कुमार यादव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पवन कुमार यादव अपने पीछे सारे परिवार को रोते बिलखते छोड़कर देश के लिए अपने प्राण को नौछावर कर दिए हैं। शहादत से परिवार परिजनों में कोहराम मच चुका है। पवन कुमार यादव सेना में महेर रेजिमेंट में कार्यरत थे, लेकिन ड्यूटी के दौरान यह जवान शहीद हो चुके हैं। शहादत से घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव में सन्नाटा पसर चुका है। बताया जाता है कि शहीद जवान के पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनके पैतृक गांव पैतृक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। शहीद जवान पवन कुमार के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ कमेंट में जय जो लिखना। मैं भगवान से सादर विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान पवन कुमार यादव का आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। अगर शहीद जवान के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ कमेंट में जय जो लिखना। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों की सैलाब उमड़े और सभी नम आंखों से विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।